ये बेटा एक बच्चा मुझे जरा मैसेज कर दो ताकि मैं फ्रंट पे फिर आ जाऊं। हाँ वॉइस आ रही है बेटा। बेटा एक बार बता दो मुझे जरा, वॉइस आ रही है क्या? व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो बेटा। हाँ वॉइस आ रही है बेटा। चलो बेटा आप देखें। चलिए बेटा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे। बेटा आज उसकी वॉइस कम कर दो, ठीक है? सभी को मेरे मेरे हिसाब से वॉइस क्लियर आ रही होगी। एंड एक बार सभी बच्चे अपने अपने ग्रुप में मैसेज कर दो बेटा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा ज्वाइन कर ले। और ज्वाइन कर लेंगे तो फिर मैं अब स्टार्ट करता हूँ। आपको आज ये बताऊंगा बेटा किस तरह से आप बोर्ड एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। बेसिकली पहले साइंस एग्जाम के लिए, क्योंकि आपका जो मेन सब्जेक्ट अब स्टार्ट हो रहा है, जो आपका बेटा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अभी तक बेसिकली लैंग्वेज वाले दो सब्जेक्ट हो गए, हिंदी और इंग्लिश। अब आपके जो मेन सब्जेक्ट्स आ रहे हैं बेटा, वो उसमें से पहला सब्जेक्ट है साइंस। उसके बाद एनएसएसटी आएगा, उसके बाद फिर आपका सबसे बिगेस्ट सब्जेक्ट जो उसको आप लोग मानते हो वो क्या है बेटा, मैथमेटिक्स। तो पहले मैं साइंस के लिए डिस्कशन करता हूँ और फिर आपको पहले साइंस के लिए मैं अच्छे से बताऊंगा किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। शिवम एक बार चेक करो, वॉइस आ रही है पूरी क्लियर? सभी बच्चे अपने अपने ग्रुप में बेटा मैसेज डाल दो। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब आपको बताने जा रहा हूं और स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग को बेटा ऑल दी बेस्ट, ठीक है, फॉर साइंस एग्जाम। ऑल दी बेस्ट सभी बच्चों को आने वाले साइंस एग्जाम के लिए। तो बेटा आपका मैं तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा हूं। पहले तो आपको कैसे तैयारी करें हूं? और किस तरह से आपको अपियर करना अपने आप को साइंस एग्जाम के लिए, किस तरह से अपने आप को, यानी एक तरह से अपने आप को एक लेवल में लाना है, किस तरह से आप ये समझ पाओगे कि हम साइंस एग्जाम के लिए किस तरह से तैयार हैं। जब हम तैयार हो जाते हैं तो बेटा कॉन्फिडेंस पूरा अपने आप पे हमें हो जाता है कि हम अब साइंस एग्जाम के लिए तैयार हैं, या किसी भी एग्जाम के लिए। फर्स्ट पार्ट जो है आपका, आपके बुक के हिसाब से बताता हूं बेटा, पहला पार्ट है बेटा केमिस्ट्री। पहली पार्ट है बेटा केमिस्ट्री। दूसरा पार्ट ये आपके उसमें है बायोलॉजी। और तीसरा पार्ट आपका बेटा क्या है, फिजिक्स। ठीक है बेटा, तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, ये तीन पार्ट में बेसिकली आपका पूरा जो साइंस है वो डिवाइड किया गया। और एक पार्ट है हमारा एनवायरनमेंट साइंस, एक ही चैप्टर है लेकिन उसको हम बायोलॉजी में कंसिडर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर। पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, दूसरा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, एंड तीसरा क्या, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और चौथा जो हमारा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सेम अब आपका न्यू बुक के अकॉर्डिंग जो आपका फिफ्थ चैप्टर है
वो आपका लाइफ प्रोसेस है। फिर आपका सिक्स्थ चैप्टर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन और सेवन चैप्टर आपका रिप्रोडक्शन। ये इसमें ब्लर सो होता है तो तुम बैठो, कोई बात नहीं, आवाज आ रही है ना? हाँ, आवाज तो आ रही है, वो अब क्लियर हो जाएगी। और आपका एट चैप्टर जो है वो आपका क्या है बेटा, आपका जो है बेसिकली रिप्रोडक्शन है, तो ये आपका कौन सा, हेरिडिटी, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन वाला। फिर फिजिक्स में देखा जाए, नई बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, नाइन्थ जो चैप्टर है वो लाइट है, और टेंथ जो चैप्टर है बेटा वो आपका ह्यूमन आई है, और फिर इलेवन चैप्टर आपका इलेक्ट्रिसिटी है, और ट्वेल्व चैप्टर आपका क्या है, मैग्नेटिज्म है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? और आपका जो 13 चैप्टर है न्यू बुक के अकॉर्डिंग वो एनवायरनमेंट साइंस है। तो बेसिकली हमें इतने चैप्टर्स पे कमांड करना है। पहले हम साइंस एग्जाम के लिए किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, आपके पास जो भी नोट्स हो, जो भी मटेरियल हो, उसको पढ़िए। कोई भी बच्चा अभी, पहले आप ध्यान रखना, पहले क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व करना है, ना ही कोई सैंपल पेपर। मैं अक्सर देखता हूं बच्चे लास्ट टाइम में सैंपल पेपर लेकर बैठ जाते हैं, उनको लगता है रटा रटा क्वेश्चन मिल जाएगा, साथ में और भी चीजें लेके बैठ जाते हैं, दूसरे स्कूल्स के एग्जाम के पेपर। नहीं, अभी पहले आपको कुछ नहीं करना है बेटा, आप अब लास्ट टाइम है आपका, ये लास्ट टाइम है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। कि आप जितना ज्यादा आप प्रिपेयर करोगे अपने आप को, उतना ज्यादा आपके मार्क्स आने के चांसेस हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। कोई भी चीज, जैसे हम अगर जंग लड़ने जा रहे हैं तो पहले हमें तैयार होना चाहिए। ये नहीं कि हम अस्त्र शस्त्र की बस प्रैक्टिस ना करें और चल दे भैया, ये हमारे पास अस्त्र है, ये हमारे पास अस्त्र है, ये धनुष है, ये त्रिशूल है, बस लेके चल जाओ। नहीं, पहले हमें प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस कब होगा? जब हमारे पास क्या होगा, कंटेंट होगा। जब तक हमारे पास कंटेंट नहीं होगा, तब तक हम अपनी नॉलेज को डिलीवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रटा रटाया क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत रेयरली आ जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आपको रटा रटाया नहीं, उस पर भरोसा नहीं करना है, आपको अपने कंटेंट पे भरोसा करना है। और वो कंटेंट कहाँ से आएगा? जब आप नोट्स पढ़ेंगे, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, और जो आपके पास सपोर्टिंग मटेरियल या कोई अदर बुक्स है वो पढ़ेंगे, तब आपको कंटेंट मिलेगा। अब कंटेंट कैसे आप एब्जॉर्ब करेंगे, उसके लिए मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, फिर बताऊंगा क्वेश्चन पेपर कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। चलिए, फर्स्ट चैप्टर सबसे इजीएस्ट चैप्टर माना जाता है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो आपका 6 to 7 मार्क्स का है, ये ध्यान रखना। अब इस चैप्टर में आपको मेन क्या क्या चीजें दिमाग में रखना है वो भी मैं बताने जा रहा हूँ। ये आपको नहीं बताया था ग्रुप में, लेकिन अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको क्या क्या चीजें दिमाग में रखना है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए हो सकते हैं। तो फटाफट अपने ग्रुप्स में जितने भी हैं सबको मैसेज कर दो, सभी बच्चे ज्वाइन कर लें, आपके दोस्त यार जो भी हैं वो भी ज्वाइन कर लें। जितना ज्यादा ज्वाइन कर लेंगे सबको बेनिफिट्स मिलेगा और सबको फायदा मिलने वाला है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो पहला चैप्टर है 6 to 7 मार्क्स का, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बैलेंस ही ध्यान रखना है, आपको स्केलेटल इक्वेशन ध्यान रखना है। बैलेंसिंग में आपको क्या ध्यान रखना, कि वैलेंसी किस लॉ को फॉलो करती है, आपने सुना होगा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पहले उस पर हमें कमांड करना है, किस तरह से हम बैलेंस करेंगे इक्वेशन, इस पर कमांड करिए, ज्यादा नहीं, यहां से 2 नंबर का। अब आप टाइप्स ऑफ इक्वेशन में सबसे ज्यादा जो आप कमांड करेंगे बेटा, पेपर में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ध्यान रखना, एक डिकम्पोजिशन से पूछा जाता है और डिस्प्लेसमेंट से, डबल डिस्प्लेसमेंट से, ये ध्यान रखना। कॉम्बिनेशन जिसको आता है उसको डिकम्पोजिशन आएगा, ये ध्यान रखना, और जिसको डिस्प्लेसमेंट आता है उसको डबल डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो मेन है। उसके बाद आपको बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन से ऐसे क्वेश्चन आपको बनाना है कि जिसमें आपको ये पता चल जाए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। फिर आपका कोरोजन से कलर वाले जरूर याद रख लेना, कौन सा किस कलर में चेंज होता है, जैसे आयरन रेडिश ब्राउन में जाता है, सिल्वर ब्लैक में जाता है, कॉपर ग्रीन में जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट किया जाए वो जरूर आपको याद रखना, व्हाट इज द रेंसिडिटी, बहुत रेयरली पूछ सकता है, लेकिन प्रिवेंशन आपका एक एमसीक्यू में पूछ सकता है, जैसे नाइट्रोजन गैस वाला,
आप डीडी जो डीएच क्या बीएचए और बीएचटी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, एक साल पूछा गया है ये ध्यान रखना, जिसको बोलते हैं ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोनिन और एक एनिजोल होता है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। फिर एक बार पूछा गया था कि फायरफ्लाइज कैसे ग्लोज करती है, वो भी मैंने नोट्स में लिखवा रखा है, तो ऐसी चीज को इस बार जरा ध्यान देना आप लोग। तो चलिए इसमें कमांड आपको सबसे पहले आपका डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन तो आपको आता ही है, कॉम्बिनेशन में तो सबसे ज्यादा वो आपको याद रखना है कौन सा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ स्लैग लाइन, ये जरूर आप दिमाग में रख के जाएंगे आपका। फिर ध्यान देना दो चीज होता है, एक आपका एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, ये ध्यान रखना। फिर डिकम्पोजिशन के तीनों टाइप आपके जुबान पे होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर डिस्प्लेसमेंट से कॉपर सल्फेट वाला और आयरन नेल, उसका पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर उसके बाद हम चलेंगे कहाँ से बेटा, नेक्स्ट वाला चलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट में, जो बार बार मैं कहता हूँ बेटा वो बार बार पेपर में आता है, और बार बार कौन सा, जब लेड नाइट्रेट को हम किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, किस कलर का पीपीटी बनता है ये ध्यान रखना, कौन पीपीटी का नाम क्या होता है ये ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। वो तो मैं एक दिन सब, एक दिन मैराथन क्लास चलेगी 2-3 घंटे की, सब सारे टॉपिक मैं एक दिन कवर करूंगा, ध्यान रखना। फिर सेकेंड चैप्टर में आपका जो सॉल्ट वाला पोर्शन है पीछे 5 मार्क्स वाला, कॉमन सॉल्ट वाला, उनमें से एक 5 नंबर का फिक्स है, कोई माई का लाल नहीं उसको हटा सकता है, ध्यान रखना। ये 5 नंबर का फिक्स है, उससे पहले सिर्फ 2 से 3 नंबर का पूछ सकता है, ये ध्यान रखना, लेकिन ये 5 नंबर का कोई नहीं टाल सकता है। उस पे आपका कमांड होना चाहिए कौन सा बेटा, कास्टिक सोडा यानी आपका क्लोर अल्कली प्रोसेस, फिर आपका ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और हाइड्रेटेड सॉल्ट के एग्जाम्पल, ये आपको ध्यान रखना। चलिए थर्ड चैप्टर में जब चलते हैं बेटा, तो थर्ड चैप्टर में बेसिकली आपको रिएक्शंस ध्यान रखना है, और बेटा सेकंड चैप्टर में वो सारा रिएक्शन किस तरह से मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है बेस वाला, वो तो आपको पता होना चाहिए, इतना तो आप पूरे साल तो पढ़ ही के आए हो, आप तो मेन मेन टॉपिक की हम बात कर रहे हैं। चलिए तो थर्ड चैप्टर में बेटा आपका जो ध्यान रखना है वो बेसिकली ध्यान रखना है मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज, क्योंकि यहाँ से एक एमसीक्यू में 100% आना तय है, इसको कोई नहीं काट सकता, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए दूसरा आपका क्या करेंगे बेटा, क्या है? ठीक है, और दूसरा आपको क्या करना है बेटा, इस चीज को ध्यान में रखना है, दूसरा बेटा आपका अकरेंस ऑफ मेटल, वो आपको पूरा कमांड करना है, प्लस उससे पहले आपको बेटा आपका आयोनिक कंपाउंड्स क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना मेन। तो अकरेंस ऑफ मेटल से आगे हम बढ़ेंगे, फिर चैप्टर 4 में जितने रिएक्शंस हैं बेटा, जितने भी रिएक्शंस हैं आपके जुबान पे होनी चाहिए, चाहे वो सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, ये आपको पता होना चाहिए। और फोर्थ चैप्टर में आपका बेटा क्या एल्कोहल और एथनोइक एसिड वाला जो टॉपिक है वो मस्ट मस्ट है। उसके बाद आपका जो आपका एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, आपका जो बेटा कंबशन रिएक्शन, वो भी नॉमेनक्लेचर बहुत रेयरली आता है और आएगा तो केवल 2 मार्क्स का, उससे ज्यादा नॉमेनक्लेचर के बारे में नहीं पूछा जाता, बट नॉमेनक्लेचर में आपको फंक्शन ग्रुप जरूर याद रख लेना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, वो बहुत आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप तो आगे का सर इतना तो पूरे पढ़े हो, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ये चीज तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए अब यहाँ पर इन चैप्टर्स में आजकल जो सीबीएसई सबसे कमांड करती है वो क्या कमांड करती है, पिक्चर्स, आपको पिक्चर्स दे देगी और बोलेगी इसका लेवल करो, या पिक्चर बनाने के लिए अधिकतर आता है। तो बायोलॉजी में जितने आपके पिक्चर्स हैं उसको आप एकदम लर्न कर लो, उनको प्रैक्टिस कर लो, उनको बना कर देख लो, उनका लेबलिंग करके देख लो, और जितने पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस जरूर याद करो, फंक्शन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अभी मैं आज ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, अभी एक दिन मैराथन क्लास चलेगी तो इन सबके भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दूंगा, क्योंकि आज मैं बताऊंगा आपको किस तरह से आपको तैयारी करना है अभी पेपर के लिए, तब ज्यादा करेंगे। और फिजिक्स में जो उठाएंगे आप सारे चैप्टर्स के बेसिकली 9, 10, 11 इनके बेसिक कॉन्सेप्ट पे ज्यादा कमांड रखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक फॉर्मूलाज, रे डायग्राम और भी चीजें जो जो हैं आपके पास, वो आपको कमांड पे रखना है, वो इसमें भी डिस्कस करेंगे अभी एक दिन,
ठीक है, अभी टाइम हमारे पास शायद कल ही वो डिस्कशन हो, और 13 चैप्टर जो मैग्नेटिज्म है इसके बारे में भी आपको अच्छे से क्लियर बताऊंगा किस तरह से पढ़ना है। तो चलो पहले हम ये सीख लेते हैं क्वेश्चन की तैयारी कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, आज आपका अभी भी पूरा दिन समझ लो, अभी आज 6 बजने जा रहा है, अगर 10 बजे तक, अभी 9:30 बजे मेरी लाइव क्लास होगी बेटा आपकी, जिसमें आपके इलेक्ट्रिसिटी के और कुछ क्वेश्चन रह गए और लाइट के आपके क्या न्यूमेरिकल्स कवर होंगे, ये ध्यान रखना, उसको जरूर आप अटेंड करना है। चलिए पहला आपको, अगर आज आपने पूरी केमिस्ट्री अच्छे से कर ली है तो समझ लो आप 40% बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लिए। कल पूरा बायोलॉजी करना, कल पूरा बायोलॉजी, इन 4 चैप्टर में आपके जो 30 मार्क्स हैं बेटा वो कहीं नहीं जाना चाहिए, 28 के एक्चुअल में है, वो 28 फ्री के होते हैं समझ लो, इनको कल पूरे अपने 28 नंबर बनाना ही बनाना है आपको, ये ध्यान रखना। उसके बाद ये आपका 13 तो बेटा चाहिए, तो 12 यही था, 13 तो आपका इन्वायरमेंट साइंस है, ये इसमें कवर कर लेना, उसको ध्यान रखना, 5 नंबर का है, ज्यादा नहीं, 5 मार्क्स का, और 5 मार्क्स तो फ्री के हैं, आप याद कर लो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, इस चीज को आपको ध्यान रखना। तो आपका अगर आज केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट है, कल बायोलॉजी, आप कहां पहुंच गए, आपका 60+ रेशियो पहुंच गया, आप यानी 65% अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड कर दिए हो, यानी 60 मान लो। और फिजिक्स में ये 4 चैप्टर है बेटा जो बच्चों को बहुत डर लगता है, लेकिन मैं कहता हूँ ये चैप्टर सबसे आसान है, अगर आपको सबके फॉर्मूलाज, रे डायग्राम पता है, इलेक्ट्रिसिटी के सारे फॉर्मूलाज पता है, आप मैग्नेटिज्म के सारे कॉन्सेप्ट पता है, आपके ह्यूमन आई के जो चीजें मैंने करवा रखा है, आपने जहां पढ़ रखा होगा वो भी अगर क्लियर है, तो ये सबसे फ्री के नंबर ये भी है, इसको आप परसों करना, यानी 29 को करना है। 29 को मैं क्यों बोल रहा हूँ, जो बच्चे पहले कर लिए तो ठीक है, 29 को यानी इसको कल और मतलब आपका कल और परसों मतलब दिन तक 12 बजे या 4 बजे तक पहले इनको समाप्त करना है। अब आपके पास बच्चे हैं 1.5 डेज में आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो CBSE ने सैंपल पेपर रिलीज किया है उसको करो, Level 1, Level 2 के पेपर करो, आपका मिड टर्म का पेपर करो, आपके जितने भी टेस्ट हुए हैं उनकी प्रिपरेशन करना है, और सपोर्टिंग मटेरियल के पीछे 3 सैंपल पेपर लगे हैं उस, प्लस केंद्रीय विद्यालय का पेपर 100% 110% जरूर करना है, आपके उनके प्री बोर्ड के, आपके उनके फर्स्ट यूटी के, सेकंड यूटी के, और प्लस आपका मिड टर्म का, उसको जरूर जरूर करना है, ये ध्यान रखना। ये आप करेंगे लास्ट 1.5 डेज में, और फिर आप 2 मार्च को अपने आप को पूरा 100% तैयार पाएंगे, ये ध्यान रखना। जो बच्चा ऐसे करेगा वही सक्सेस पाएगा, और उसके 90+ नंबर कोई नहीं रोक सकता है, ये ध्यान रखना। पहले हम अपने कंटेंट को इकट्ठा करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, और ये क्वेश्चंस बहुत आसान लगेंगे, फिर इनको कोई नहीं रोक सकता है इस क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करने से, क्योंकि जब तक कंटेंट नहीं रहेगा तब तक आपको कुछ नहीं, मतलब समझ लो कुछ नहीं, आप कुछ नहीं हो। क्वेश्चन रट के मत जाना प्यारे बच्चों, बिल्कुल नहीं जाना है, पहले आप कंटेंट इकट्ठा करो, आज कल और अगले दिन हाफ डे, ये सारे नोट्स आप लोग बहुत अच्छे से, पहले नोट्स फिर एनसीईआरटी, वो तो कवर कर लोगे, आपके पास और कोई काम तो नहीं है, सिर्फ साइंस पढ़ना है, और कोई भी अदर सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, ना आपका मैथ्स पढ़ना, ना SST, ओनली साइंस पढ़ना है। पहले कंटेंट इकट्ठा करो और फिर इनमें आपको पेपर सॉल्व करना है। अब चलिए आपको ये मैं बता रहा हूँ किस तरह से आप एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट करेंगे साइंस का, ध्यान रखना। पहला बेटा आपका साइंस का पेपर है जिसमें आपके फर्स्ट 17 to 19, मतलब इसमें तो 16 रहेंगे, और उसके बाद 4 क्वेश्चन आपके क्या आएंगे, केस बेस्ड स्टडीज, ध्यान रखना। पहले आपको MCQ पेपर सॉल्व करना है, MCQ क्वेश्चन, उसके अलावा कुछ टच मत करना, पहले MCQ, और MCQ में जो आता है उसी को पहले करेक्ट लिखना है, उसमें जाके कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, कोई चीज गलत नहीं करना, साइंस में पहले MCQ करना है, कोई बच्चा केस बेस्ड स्टडी पहले नहीं करेगा,
ये ध्यान रखना है, अदरवाइज आप अपने टाइम को वेस्ट करेंगे। पहले कोई भी बच्चा केस स्टडी नहीं करेगा, पहले आपको क्या करना है, एमसीक्यू क्वेश्चन और प्लस असेसन और रीजन करना है। ये ध्यान रखो, पहले एमसीक्यू असेसन, क्योंकि साइंस है, यहाँ पर जो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा दो तीन क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू में उससे ज्यादा होगा नहीं, तो उसको तो सॉल्व आप कर ही सकते हो। और बाकी पढ़ना है टिक लगाना, पढ़ना है टिक लगाना, वो भी सोच समझ के, ये नहीं कि ऐसे हाँ अक्कड़ बक्कड़ बिम्बे बोल, ऐसे नहीं करना है। ध्यान रख देना, अक्कड़ बक्कड़ बिम्बे बोल नहीं खोलना है। आप जब पढ़ के जाएंगे इतना सीधे, तो आप ऐसे ही याद हो जाएगा, ऐसे आपके आंसर्स क्लियर होते जाएंगे। ये ध्यान रखना, पहले एमसीक्यू करना है फिर असेसन रीजन। अब आते हैं 2 और 4 मार्क्स या 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो अब आपको करना क्या है, अब मैं बता दूं, आपको 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन निकाल देने हैं। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, अगर जिसको देखो 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे तो सीक्वेंस वाइज करते जाओ, कोई इशू नहीं है, नहीं तो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन करना है, उसके बाद 2 और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन करना है, ये ध्यान रखना। और प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नहीं आएगा ना, उसको ज्यादा जोर नहीं देना अपने दिमाग पे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, उसको स्किप करो, आगे बढ़ो, उसको बाद में देखेंगे। जिसमें आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लग रहा हो, होता है अक्सर, है हम ह्यूमन नेचर हमारा, कभी कभी हमारे साथ भी हो जाता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो अगर जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसको स्किप करो, आगे बढ़ जाओ। तो आपको पहले एमसीक्यू, फिर 5 नंबर, फिर 2 या 3 नंबर वाला केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन सबसे लास्ट में करना, सबसे लास्ट में। और उसके बाद आपको स्पीड पर भी आपको ध्यान रखना है कि पेपर में आपके हाफ एन आवर्स मिल जाना चाहिए आपको एक्स्ट्रा, लास्ट में 15 मिनट तो जरूर मिलना चाहिए ईच एंड एवरी स्टूडेंट को, ताकि हम हर क्वेश्चंस को दोबारा आप ये कर सको, चेक कर सको कि हाँ भाई ये हमने कर लिया, ये कर सब अटेम्प्ट किया। कभी कभी ऐसा होता है ना, बीच में आधा क्वेश्चन स्किप हो जाता है, ये होता है, बहुत बच्चों से होता है, ऐसा नहीं करना है। आप जो क्वेश्चन लिख रहे हो उसको क्लियरली, और एमसीक्यू में कोशिश करना है बेटा, ए बी सी के फॉर्म में जो लिखता है तो लिख दो, नहीं तो उसका उसके सामने आंसर भी लिखते जाओ, बेस्ट है। आप क्यों, अगर कॉन्फिडेंट हो तो लिख दो। और दूसरी बात, आपको जो बता दिया मैंने 5 नंबर, उसको 2 केस बेस्ड स्टडी सबसे लास्ट में करना, एकदम चिल माइंड से, कोई सुनिए, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। जब आप इतना पहले तैयारी करके जा रहे हो तो पेपर तो अच्छा जाना ही है, और आप लोग के ऊपर तो भगवान नारायण की कृपा है और अपने अपने गॉड की सबकी कृपा है, तो जाएगा ही, क्योंकि आपने पूरी साल मेहनत किया है, और उस मेहनत को अब रंग में बदलने का आपका काम है। टीचर, आपके पेरेंट्स बहुत आप लोग से उम्मीद रखते हैं बेटा, और उन उम्मीद पर आपको खरा उतरना है और पेपर में एकदम धमाकेदार नंबर लेकर आना है, क्योंकि यहीं से आपकी स्ट्रीम डिसाइड होगी बेटा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। तो आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये आपको करना है। और पेपर में जब पहुँचेंगे तो पहले 15 मिनट जो टाइम मिलता है ना, आधे एमसीक्यू तो उसी में हो जाते हैं, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, एमसीक्यू तो 15 मिनट में हो जाएंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ पहले एमसीक्यू करना है, 15 मिनट वो देंगे ना पेपर आपको पढ़ने के लिए, एमसीक्यू लगा दो, क्या दिक्कत है, बड़े क्वेश्चन पे दिमाग नहीं लगाना, लगाओगे तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, इधर 15 मिनट में 15-16 एमसीक्यू करके साइड, आपका आधा घंटा टाइम बचेगा लास्ट में, देख लेना, अगर आप अच्छे से पढ़ के गए हो और अच्छे से जाओगे तो। इसीलिए कह रहा हूँ जो 15 मिनट है ना, इन पे लगा देना टाइम, आप इनसे चिल माइंड फ्री हो जाओ, क्लियर है। और एक लेना छोटा सा क्या, पेंसिल, ऐसे से मन करे तो टिक लगा देना, अगर वो अगर कोई देख नहीं रहा हो तो, नहीं तो फिर मत लगाना, अपने माइंड में रखना, क्योंकि कभी कभी टीचर ऑब्जेक्शन कर देता है बेटा कि बेटा आप ये पहले टिक क्यों लगा रहे हो, हाँ वो उनका काम है, उनका ड्यूटी है, तो उससे भी चीज़ें आपको बचना है, तो आप ध्यान रखना। तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इस पे आपको ध्यान रखना है, कमांड करना है। बाकी इनके इम्पोर्टेंस टॉपिक्स मैं कल आपसे दोबारा एक बार लाइव मिलूंगा कि इनको कैसे कैसे किस किस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है और किसको आपको ज़्यादा कमांड करना है, ठीक है बेटा। अभी मेरी क्लास है और दोबारा मैं आपसे मिलता हूँ कब, 9:30 PM, और 9:30 PM में मिलूंगा तो इलेक्ट्रिसिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए हैं और लाइट के न्यूमेरिकल्स, वो क्लास आप जरूर अटेंड करेंगे, ठीक है बेटा। तो विश यू ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, और मेरी हमेशा आशीर्वाद आपके साथ है, आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद आपके साथ है, भगवान का आशीर्वाद है, ठीक है बेटा। तो जैसे बोला अभी ये फिलहाल तैयारी करें आप अच्छे से, इसको इसी तरह से आप कमांड करें, और आई होप आप
दो तारीख को मॉर्निंग में अपने आप को करोगे और बहुत आप खुश रहोगे और चिल मारोगे, ठीक है। कोई भी नर्वसनेस नहीं दिखाएगा बच्चा, ये ध्यान रखना। नर्वसनेस दिखाओगे तो उसमें आपका घाटा है, आप फिर डिप्रेस हो जाओगे, क्लियर है। बिल्कुल चिल माइंड से पढ़ो। अरे पहले पढ़ के तैयारी रखो तो बाद में क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत होगी ही नहीं। तो विश यू ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे। कैसा लगा? बहुत अच्छी होती है आपकी स्कूल में।